नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि एवरी डब्बे का रेडिएटर जो है वो वॉश करने का, सर्विस करने का असल तरीका जो है। ये हमारे पास गाड़ी आई थी तो उन्होंने रेडिएटर इसका एक दफ़ा सर्विस करवाया था, लेकिन गाड़ी डब हो रही थी। तो अब हमने इसको रेडिएटर को खोला और अभी हम इसका रेडिएटर जो है इसको ऊपर फ्रंट वाली जो ऊपर वाली इसकी टैंकी होती है उसको काट के तो फिर सर्विस करते हैं। तो अभी हम वीडियो के अंदर आपको बताएंगे किस तरह हमने इसकी रेडिएटर की प्रॉपर जो फुल सर्विस होती है वो की है। अभी हम इसके रेडिएटर के ऊपर वाली जो टैंकी होती है जिधर रेडिएटर का ढक्कन लगा होता है उसको हम ग्राइंडर के साथ काटेंगे और काट के और फिर इसके अंदर से इसके रेडिएटर को जो है हम वो करेंगे सर्विस। ये देखें नाज़रीन, अभी हम इसकी फ्रंट वाली जो ऊपर वाली टैंकी है वो हम काट रहे हैं। ज़्यादातर जो रेडिएटर सर्विस करते हैं वह ऊपर से ही इसके अंदर तेजाब केमिकल वगैरह डाल के इसको सर्विस करते हैं, लेकिन ये देखें हमने टैंकी को काट के इसके अंदर से देखें ये सारा रेडिएटर नाज़रीन इसका जो है गाड़ी का बंद है। तो अभी ये असल सर्विस ये होती है। ऊपर से अगर हम इसको साफ़ करेंगे तो ये जो कचरा वगैरह ये गंद वगैरह ये कैसे बाहर निकलेगा। तो इसको अब हम प्रॉपर तरीके से अब साफ सफाई करेंगे और गाड़ी जो है हमारी बिल्कुल ओके हो जाएगी और दोबारा हीट अप भी नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हमने इसके रेडिएटर को साफ़ कर लिया, अभी हम इसकी फिटिंग करेंगे रेडिएटर की। फ़ैन फिट कर रहे हैं अभी इसका ऊपर फ़ैन लगा के, तो अभी गाड़ी के अंदर इसका रेडिएटर जो है वो फिट करेंगे। उसको हमने रेडिएटर को ऊपर से कटवा कर उसके अंदर से उसकी टैंकी को साफ़ करवाया और फिर इसको सीधा करके दोबारा उसको अपनी जगह पे वेल्डिंग कर दिया। ठीक है ना दें, अभी हम इसके अंदर फिट करेंगे रेडिएटर को और ये हमारी गाड़ी बिल्कुल हीट नहीं होगी क्योंकि इसका रेडिएटर जो है वो हमने ओपन करवा के काट के रेडिएटर की टैंकी को फिर इसको सर्विस किया। और ज़्यादातर मसला आता है अगर रेडिएटर ऐसे बंद हो तो गाड़ी थोड़ी सी चलती है तो इसका एसी भी ट्रिप कर जाता है और मीटर के अंदर जो है वो टेम्परेचर वाली हीट वाली लाइट ऑन हो जाती है, तो फिर ज़्यादातर मैकेनिक बोलते हैं इसका रेडिएटर चेंज करें। लेकिन इसका सिर्फ ऊपर वाली टैंकी काट के रेडिएटर सर्विस किया जाए तो गाड़ी बिल्कुल ओके हो जाती है, इसका कोई मसला नहीं होता हीट अप वाला। और ना ही इसके बाद आपकी गाड़ी का रेडिएटर जो है वो पानी कम करेगा और ना ही आपकी गाड़ी का एसी ट्रिप करेगा प्रॉपर तरीके से। अगर आप इसको रेडिएटर को सर्विस करवाएँ इसके ऊपर से टैंकी से चलवा कर रेडिएटर की हमारी जो है वो फिटिंग तकरीबन कंप्लीट हो गई है। अभी हम इसके बम्पर को लगाएंगे, गाड़ी के बम्पर फिटिंग करने के बाद ये हमारी गाड़ी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी और हीट अप वाला जो मसला है वो भी हमारा हल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अगर आपकी गाड़ी भी हीट अप का मसला कर रही है तो आप भी इसी तरह से इसके रेडिएटर को खुलवा कर उसकी टैंकी को खुलवा कर उसकी सर्विस करवाएं और आपकी गाड़ी की हीट अप का मसला जो है वो हल हो जाएगा और एसी भी ट्रिप नहीं करेगा और रेडिएटर पानी भी कम नहीं करेगा।